हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। हम लोग बेसिकली जा रहे हैं चकराता उत्तराखंड और घर से हम लोग निकल चुके हैं। ये एक्चुअली हमारा सेकंड स्टॉप है सुबह से खाने का। काफ़ी लेट हो गए थे इसलिए मैंने व्लॉग वगैरह घर से स्टार्ट नहीं किया था और अब बस निकल रहे हैं वापस। यहाँ से भी हम लोग रुके हुए थे यहाँ फूड कोर्ट पर कुछ खाने पीने के लिए। तो अंकित जी हमारे साथ, चेतन है और कंचन है। तो कंचन, अंकित, मैं और चेतन, दो दो कपल, बाइक ट्रिप है। बाइक पे जा रहे हैं और एंजॉय करते जा रहे हैं। बाकी अब जब मैं पहुंचूंगी वहां पे तब आपको मिलती हूँ और ठीक से आपको दिखाती हूँ। हेलो एवरीवन एंड दिस इज़ अ डे टू ऑफ आर ट्रिप। अगर आप ऑफ बीट डेस्टिनेशन ढूंढ रहे हैं जहाँ पे आपको भीड़ भीड़ नहीं मिले तो चकराता इज द बेस्ट। कोई भीड़ नहीं है, ज़्यादा लोग नहीं है। मे बी शायद इट्स अ ऑफ सीजन उसकी वजह से, बट बहुत अच्छा लगा मुझे अभी तक तो। सो अभी फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन पे। ये हमारा लोकेशन है जहाँ पे हम अभी स्टे कर रहे हैं। प्रॉपर्टी मैं आपको बाद में पूरी दिखा दूंगी। अभी हम लोग नहा धो के हो चुके हैं रेडी और जा रहे हैं कुछ खाने के लिए। सुबह से कुछ नहीं खाया है एंड इट्स माय बर्थडे। यस, आज मेरा बर्थडे है। आज है 16 तारीख और अभी तक कुछ ऐसी स्पेशल कुछ फीलिंग तो नहीं आ रही है। बूढ़े हो रही हूँ बस ये ज़रूर फील आ रहा है, बट देखते हैं क्या कैसे क्या करेंगे, प्लान करेंगे। हमने सोचा है कुछ कुछ चीज़ें, आई मीन नॉट मैंने, चेतन ने सोचा है, मेरे लिए प्लान किया है। क्या क्या किया है वो मेरे लिए भी सरप्राइज़ है और आपको भी वो सरप्राइज़ मिलेगा, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। अभी फिर चलते हैं और कुछ खाते पीते हैं। तो जहाँ पे हम हैं वहाँ से अभी ये है व्यू। इस टाइम बज रहे हैं करीब 12। कल तो बुरा हाल हो गया था, बहुत टाइम के बाद इतना राइड किया था। करीब करीब हम लोग 325 या 300 के आसपास शायद हमने राइड किया है कल। कुछ भी सब पता कर, अरे हमने सब कुछ पता कर रखा है, हमें बता रही हूं। आईडिया कहां कहां है? आईडिया दे रहा हूं, मेरा बर्थडे कुछ ले लेना। सो गाइस, हम लोग गए थे यहाँ पे लोकल मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए। है अच्छी मार्केट है। ये तो नहीं है कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे खाने पीने के। नॉर्मल आपको मोमोज, मैगी और ये सब का ही ऑप्शन मिलेगा। एक दो रेस्टोरेंट हैं, छोटे मोटे रेस्टोरेंट हैं जहाँ पे आपको नॉर्मल खाना मिलेगा, बट आई विल रिकमेंड कि आप नॉर्मल खाने के बदले यहाँ पे मोमोज वगैरह ट्राई आउट करें क्योंकि उसकी वैरायटी ज़्यादा और उसका खाने का टेस्ट भी अच्छा है। अभी हम लोग वापस आ चुके हैं, मैं आपको दे देती हूँ फटाफट एक रूम टूर। सो ये है गाइस रूम। हेलो। सो बेसिकली पूरा वुडन फिनिश है एंड मुझे इस तरीके की वाइब बहुत अच्छी लगती है जिसमें वुड का थोड़ा सा काम हो, और बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन लगता है ये। एंड इस रूम की खासियत है कि इसका व्यू बहुत ही बढ़िया है और बिल्कुल सामने विंडो है और आराम से आप पूरा व्यू एंजॉय कर सकते हो बाहर का। बहुत ही सुंदर व्यू है। एक और रूम है इसके साथ ही, वो ये वाला रूम है, मैं बाद में दिखाऊंगी। वो कंचन एंड अंकित का रूम है
और उस रूम की खासियत यह है कि उस रूम का जो बाथरूम है वो बहुत ही बढ़िया वाइब है उस बाथरूम की, मतलब बहुत ही सुंदर बाथरूम है। अभी वो लोग नीचे हैं, जब आएंगे वापस तब मैं आपको दिखाऊंगी, बट बहुत सुंदर रूम है। सो यहाँ पे आपको दो रूम्स अभी इन्होंने बनाए हुए हैं, प्रिपेयर किए हुए हैं, एंड उसके बाद एक रूम इनका नीचे भी है, बट वो वाला अभी हमने नहीं लिया क्योंकि हमें साथ साथ रहना था। एंड यहाँ पे नीचे है थोड़ा सा बैठने के लिए, इंजॉय करने के लिए, हमसे बैठो, धूप है, मस्त इंजॉय करो, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके लिए ऊपर वाले एरिया में है बैठने के लिए, यहाँ पे भी आप बैठ सकते हो और अदरवाइज आप यहाँ बैठ सकते हैं। सो मैं बस वहीं जा रही हूँ और इंजॉय करेंगे पूरा व्यू, और मैं आपको दिखाऊँगी सनसेट। हाँ जी, क्या चल रहा है भैया? अभी हम घूम के आए हैं मार्केट से, नाश्ता वास्ता करके आए हैं मार्केट से, खाना लंच ही हो गया, बुरा हमारा नाश्ता ही हो गया, वो लंच हो गया, लेट हो गए थे तो हमने ब्रंच किया है बेसिकली। हाँ ठीक है, और अभी हम यहाँ पे आ गए हैं, आज हमारा कहीं घूमने का प्लान नहीं है, हम कैंसिल कर रहे हैं, रेस्ट करेंगे, मौज मारेंगे, ये प्रॉपर्टी है और पार्टी करेंगे। हाँ, इधर भी बॉनफायर का जुगाड़ है, अगर इधर बॉनफायर करनी है तो इधर भी बॉनफायर हो जाएगी। ये देख लो क्या हो रहा है, इतने थक चुके हैं कि बिल्कुल हिम्मत नहीं। जांघों पे कितना जोर पड़ रहा है, बच्चे वाली बोना क्या चल रहा है ये है? एक बच्चे के माँ बाप हो गए तुम, बच्चे वाली हरकतें कर रहे हो। ये हम झूला झूल रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हो हैं, पर को झुलाने की ऐसे बैठ के ना उठने में क्योंकि उठना पड़ रहा, मुझे उठाना नहीं पड़ रहा, तुम उठा रहे हो ना मुझे तो। मैं तो उठा, झुका, दम लगा, नहीं लगा। खींचो ना हल्का सा, हाँ उठा, लगा दम, मैं चीटर है। सो गाइज, अभी टाइम हो रहा है 6:30, और मैं अभी थोड़ा सा एक नैप लेके आई हूँ, अभी उठ के आई हूँ। आप देख रहे हो सनसेट हो चुका है, मैंने मिस कर दिया, बट अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ आप व्यू देख सकते हो। एंड ये है हमारा रूम जहाँ पे हम रुके हुए हैं, ये मेला वाला है, ये कंचन वाला है, एंड अभी चल रहा है थोड़ा सा डेकोरेशन का सीन, वहाँ पे डेकोरेट करने वाले हैं, अभी हुआ नहीं है शुरू। सो हम लोग बहुत थक गए थे क्योंकि हम लोग रात में भी कंफर्टेबली सो नहीं पाए थे, एंड कल अच्छा खासा हमने राइड किया था, एंड आज सुबह भी जल्दी उठ गए थे यहाँ आने के लिए, तो हमने एक छोटा छोटा नैप लिया है, अभी बिल्कुल फ्रेश फील हो रहा है, बढ़िया नींद आई है, कोजी है बहुत ज़्यादा, ये मुझे लगा नहीं था उतना कोजी होगा, बाहर बहुत ठंड है बट अंदर आते ही आपको एकदम से कोजी फील होता है। तो अभी मिलती हूँ मैं डेकोरेशन वगैरह होने के बाद रेडी होके, देन उसके बाद आपसे मिलते हैं। जी कंचन जी तो रेडी होके आ चुकी है, अब मैं भी भाग रही हूँ, फटाफट रेडी होती हूँ, मुझे लगा था अभी टाइम है। तो जी फाइनली मैं भी हो गई हूँ रेडी, ये वाला मैंने टॉप पहना है, न्यू एक पैंट मंगाई थी वो पहना है, फुल लुक बाद में दिखा दूंगी, और बाकी सब लोग भी रेडी हो गए हैं, चेतन, अंकित जी, कंचन जी, सब रेडी हैं। हम रात में काला चश्मा लगाते हैं, हाँ। क्योंकि हमें आज हमें चौंध 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 वही नीचे की वो हो गई है डेकोरेशन, मेरी क्लेवेज दिख रही है, हाँ जी हो गया तैयारी, बिल्कुल तैयार, बिल्कुल सारा इंतजाम बढ़िया करवा चुके हैं, ठीक है, और वहीं जाके बताएंगे क्या 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 इंतजाम, क्या हो क्या रहा है सर, नीचे बहुत बढ़िया, वो वही पता चलेगा क्या हो रहा है, वो तो मुझे भी नहीं पता क्या हो रहा है, बहुत बढ़िया जुगाड़।
तो जी पार्टी वार्टी करके तो बहुत मज़ा आया था। एंड फिर उसके बाद चले गए थे हम लोग सोने, और पता नहीं कहाँ से रात में ये बिल्ली हमारे पास आ गई थी, एंड ये चेतन के ऊपर ही सोई है पूरी रात। बस आज का व्लॉग मैं यहीं पे फिनिश कर रही हूँ। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने बाकी के 3 दिन चक्राता में क्या किया। तो अब मिलती हूँ मैं आपसे मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। बाय।